Hello students, I'm your EVS teacher and today I'm going to explain chapter 1st, Learning in a Family. Family में रहकर हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं. Before explaining this chapter, I will tell you that in this chapter, Priya introduce her family with you. So let's start the chapter. Hello, I am Priya. Rahul is my brother. I am his sister. We live in a home with our mother, father, grandfather, grandmother, uncle, aunt and cousins. Ours is a big family. We learned so many things from our family, much before we learned from anywhere else. This is because we are so close to our family. Our family is rightly called our first school. Here is Priya introduce you with her brother, mother, father, grandfather, grandmother, uncle, aunt and cousins. She says that her family is big family and she learned so many things from her family. And she also called that her family is rightly called our first school. Priya बोलती है हमारे परिवार को सही मायने में हमारा पहला स्कूल भी कहा जाता है क्योंकि हम सारी चीज़ें सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं, इसीलिए इसको हमारा फर्स्ट स्कूल कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्राइबिंग्स रिलेशनशिप्स. हियर इज प्रिया एंड राहुल बोथ. दे आर brother and sister. They introduce you with their grandmother, grandfather, uncle and aunt. First of all, Rahul says that let me introduce you to our grandfather and grandmother. सबसे पहले राहुल आपको अपने grandfather and grandmother, it means दादा दादी से introduce कराता है. After that, Priya introduce Let me introduce you to our uncle and aunt. Priya आपको अपने uncle and aunt से चाचा चाची से परिचित कराती है. After that, grandfather and grandmother both are says that meet our grandson Rahul and granddaughter Priya. दोनों के दादा दादी आपको किससे मिलाते हैं? राहुल और प्रिया से. राहुल और प्रिया आर देयर grandson एंड granddaughter. Grandson means पोता, granddaughter means पोती. दोनों कौन हैं इनके? पोता और पोती. नेक्स्ट अंकल एंड aunt says that meet our niece Priya and nephew Rahul. Rahul and Priya के uncle and aunt, it means चाचा और चाची, आपको किससे परिचित कराते हैं? राहुल और प्रिया से. राहुल और प्रिया अपने अंकल आंट की क्या लगेंगे? नीज. नीज मीन्स भांजी एंड नेफ्यू मीन्स भतीजी, भतीजा सॉरी. ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पेज. इन द नेक्स्ट पेज यू विल लर्न लर्निंग विद जॉय. इट मीन्स हम अपने परिवार के साथ आनंद से कैसे सीखते हैं, सारी चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी लर्न मैनी थिंग्स इन आवर फैमिली. हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. आई हेल्प माई मदर इन किचन. प्रिया कहती हैं कि मैं अपनी मदर की हेल्प किचन में करती हूँ, इट मीन्स खाना बनाने में, कुकिंग फूड्स. I help her when she washes vegetables and fruits. She says that she helps when her mother washes vegetables and fruits. I also help her when she cooks. Priya says that she also helps when her mother cooks. I help her to clean the dining table after meal. Priya खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल को साफ करने में भी अपनी मदर की हेल्प करती है. माय मदर क्लीन्स द हाउस एंड कीप्स थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. प्रिया सेज दैट हर मदर
cleans the house and keeps things at their proper place. I am also learning to do that. और प्रिया बोलती हैं कि मैं भी ऐसा ही करना सीख जाती हूँ अपनी मदर से. आई ऑल्सो मेक माई बेड एट नाइट. और प्रिया कहती है कि मैं रात को अपने बिस्तर को भी लगाती हूँ, बिस्तर भी तैयार करती हूँ. वी हैव अ बिग गार्डन इन आर फैमिली. प्रिया सेज दैट शी हैज़ अ बिग गार्डन इन हर हाउस. प्लांट्स आर आर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? हरे पौधे हमारे फ्रेंड्स होते हैं. आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर हाउ टू वाटर द प्लांट. प्रिया बोलती हैं कि अपने पापा से उसने क्या सीखा? पौधों में पानी देना सीखा. आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे. और वो रोज़ाना पौधों को पानी देती है. हियर इज़ अ पिक्चर दैट शो प्रिया वाटरिंग द प्लांट. नेक्स्ट, आई गो टू द मार्केट विद माई मदर टू बाई मिल्क. और वो रोज़ाना मार्केट भी जाती है, बाज़ार भी जाती हैं और मिल्क भी खरीद कर लाती हैं. मिल्क, वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स. मिल्क, सब्जियाँ, दूध और बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाती हैं. आई एम ऑल्सो लर्निंग टू बाई थिंग्स फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम माई मदर. और वो अपनी मदर से, अपनी माँ से क्या सीखती है? बाज़ार से चीज़ों को कैसे खरीदा जाता है, वो सब कुछ अपनी माँ से सीखती है. यज अ पिक्चर दे दैट शो इन द मार्केट. प्रिया शो दैट इन द मार्केट. नेक्स्ट इज माई फादर क्लीन्स द कार. राहुल, माई मदर हेल्प्स हिम इन क्लीनिंग द कार. प्रिया सेज दैट हिज फादर, हर फादर क्लीन द कार एंड राहुल हेल्प him to cleaning the car. Here's a picture that show helping father clean the car. In a family we help each other in many ways. अपने परिवार में हम बहुत सारे तरीकों से एक दूसरे की help करते हैं. We learn to love and care for one another in our family. और हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं एक दूसरे से अपने परिवार में. नेक्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग एंड लुकिंग अलाइक. एक जैसा सोचना और एक जैसा दिखना. आई लुक वेरी सिमिलर टू माई मदर. प्रिया सेज दैट शी लुक्स वेरी सिमिलर टू हर मदर. आई टॉक, वॉक एंड इवन स्माइल माई मदर. वह क्या करती है? वह बोलती है कि मैं चलती हूँ और बोलती हूँ और मेरी स्माइल भी बिल्कुल, मेरा चलना बोलना और मेरी स्माइल बिल्कुल मेरी माँ की तरह है. आई सिंग जस्ट लाइक माई मदर एंड शी सेज दैट जब वो गाना गाती है तो तब भी वो अपनी माँ की तरह ही गाना गाती है, सिंगिंग करती है. आर वॉइस आर वेरी सिमिलर. और हमारी आवाज़ भी बिल्कुल सेम सेम है. माई ब्रदर लुक्स लाइक माई फादर. और मेरा भाई मेरे पिता की तरह दिखाई देता है. My brother laughs just like my father. और मेरा भाई मेरे पिता की तरह ही हंसता है. My relatives tell me that my mother behaved just like me when she was an old as I am now. मेरे रिश्तेदार ने मुझे बताया कि मेरी माँ ने मेरे जैसा ही व्यवहार किया था जब वो मेरी उम्र की थी. My uncle also looks very similar to my father. और मेरे चाचा जी भी मेरे पापा की तरह ही सेम दिखाई देते हैं. माय कज़िन ब्रदर रिसेम्बल्स माय अंकल. मेरे चचेरे भाई मेरे चाचा जैसे दिखाई देते हैं. माय फादर एंड अंकल बिहेव लाइक माय ग्रैंडफादर. मेरे पिता और मेरे चाचा भी मेरे दादा की तरह दिखाई व्यवहार करते हैं, दिखाई देते हैं. हियर इज़ अ पिक्चर दैट शो लुकिंग अलाइक इन अ फैमिली. Next, look at this picture tree. Name the relations Priya has with the following members of her family. Here is a picture that show a family tree. You can feel with yourself to this picture and with the help of your parents and brother sister also.
नेक्स्ट थिंग्स वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, ऐसी चीज़ें जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं। आवर फैमिली गिव्स सपोर्ट एंड आ लॉट ऑफ लव एंड केयर, हमारा परिवार हमें बहुत सपोर्ट करता है, समर्थन करता है हमारे लिए, और हमारी बहुत केयर और हमें बहुत प्रेम भी करता है। वी शेयर आवर जॉयज एंड सोरोज विद आवर फैमिली, और हम अपने परिवार के साथ अपने सुख और दुख को बांटते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, हम अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फॉर सम ऑफ देम, सम ऑफ द थिंग्स वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली आर, उनमें से कुछ थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, जस्ट लाइक गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, कस्टम्स वर्किंग टुगेदर, एंड लव एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। गुड मैनर्स अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स अच्छी आदतें, गुड मैनर्स अच्छे विचार, अच्छी आदतें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, प्यार, आदर, सम्मान, ये सब चीज़ें हम किससे सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली गेट टुगेदर्स, वी यूजली गेट टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेशंस लाइक वेडिंग्स और पार्टीज एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली एंड दशहरा ऑल्सो। ड्यूरिंग दिस टाइम वी कम टू मीट विद ऑल आवर रिलेटिव्स। फैमिली गेट टुगेदर्स कब होती हैं? जैसे कि मोस्ट ओकेशंस होते हैं लाइक जस्ट लाइक दिवाली, होली एंड दशहरा। प्रिया सेज दैट शी मीट्स स्पेशल पर्सन्स टुगेदर विद वेडिंग्स, पार्टीज, फेस्टिवल्स, होली, दिवाली एंड दशहरा ऑल्सो। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम्स दे कम टू मीट विद ऑल आर ऑल देयर रिलेटिव्स। सो दिस इज द चैप्टर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।